हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फेस्टिवल स्पेशल स्वीट बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे अलग-अलग तरीके से शेयर की हुई है पहले भी, तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आ रहे थे कि क्या हम बिना बूरा चाशनी के बेसन के लड्डू बना सकते हैं चीनी के पाउडर से। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करके चीनी पाउडर से बेसन के लड्डू बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप घर पे एकदम परफेक्ट लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। परफेक्ट माप के साथ मैं ये लड्डू बनाना बताऊंगी, जिससे लड्डू बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मिश्रण गीला नहीं पड़ेगा, लड्डू गोल गोल बनकर तैयार होंगे, चपटे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनेंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया। बेसन को हमने हल्का दबा दबा कर कप्स में भरा है, 1 कप के जितना है ये। और ये बेसन जो है हल्का मोटा दरदरा है, आप नॉर्मल जो आपके पास है बेसन आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्राम्स में भी आपको बता देती हूँ कि मैं कितने बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 कप बेसन हमारा 125 ग्राम हुआ है, देख सकते हैं। और चीनी का पाउडर हम नाप कर आपको बता देते हैं। कप्स में हमने आधा कप चीनी का पाउडर लिया है, इतने में परफेक्ट मीठी हो जाती है। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप भी ले सकते हैं, लेकिन इतने में परफेक्ट मीठी बनेगी। और ग्राम्स में चीनी का पाउडर यहाँ पर देख सकते हैं 84 ग्राम्स हो रहा है। आप 84 से 85 ग्राम ले सकते हैं या फिर आप 90 ग्राम भी ले सकते हैं, थोड़ी बहुत 19-20 कर सकते हैं मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ कप्स में 1/4 कप हम घी ले रहे हैं, टेबल स्पून में 3 टेबल स्पून है और ग्राम्स में ये 45 ग्राम्स है। आप 45 से 50 ग्राम घी का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कप्स और ग्राम्स दोनों में आपको मेजरमेंट बता दिए हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेसन के लड्डू बनाने में। तो यहाँ पर गैस ऑन कर पैन में हमने जो बेसन लिए थे 1 कप वो हम डाल देंगे और इसको ऐसे ही चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए। बिल्कुल धीमी आंच पे आपको ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इस रेसिपी में हम बिल्कुल कम घी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें पहले बेसन को ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना होगा, उसके बाद इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो ऐसे ही चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें घी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 1/4 कप घी लिया है वो हम डाल देते हैं और इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिलाना है बेसन में। मिश्रण आपको स्टार्टिंग में एकदम ड्राई लगेगा, लेकिन आपको ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करते हुए धीमी आंच पे भुनना है बेसन को, जब तक कि बेसन का जो कच्चापन है वो ना चला जाए और बेसन के भुनने की अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तब तक हमें इसे धीमी आंच पे ऐसे ही चलाते हुए भुनना है। यहाँ पर आपको और भी ज्यादा घी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चीनी पाउडर से जब बेसन के लड्डू बनाते हैं हमें एकदम कम से कम घी का इस्तेमाल करना होता है, ताकि हमारा जो मिश्रण है वो गीला ना पड़े। अगर आप ज्यादा घी ऐड कर देंगे इस वक्त तो आपका जो मिक्सचर है वो गीला हो जाएगा और चीनी के पाउडर मिक्स करने से मिश्रण जो है और भी ज्यादा पतली हो जाती है, जिससे लड्डू नहीं बनते हैं, लड्डू चपटे बनकर तैयार होते हैं, गोल गोल नहीं बनते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो बेसन के लड्डू है एकदम परफेक्ट गोल गोल बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं घी डालने के बाद हमने बेसन को 5 मिनट के लिए और भून लिया है। तो टोटल हमने 10 मिनट के लिए बेसन को धीमी आंच पे भुना है। हम यहाँ पर कम क्वांटिटी में बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो हमें बेसन को भुनने में कम समय लगेगी। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में बेसन के लड्डू बनाएंगे तो हमें बेसन को भुनने में ज्यादा समय लगेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब बेसन इस तरीके से अच्छे से भून जाए तब हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून की जितना कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है। नॉर्मल जो बेसन के लड्डू होते हैं वो सिर्फ घी, चीनी और बेसन से बनकर तैयार होती है। तो मैं यहाँ पर आज ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे रही हूँ। इसी में 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही चलाएंगे। बेसन की हीट से ड्राई फ्रूट भी अच्छे से भुन जाएगी और इसी में हम ऐड कर देंगे चीनी का पाउडर और थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल देंगे कूट कर, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पे हमें करीब ऐसे ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है। जैसे जैसे हम चीनी के पाउडर को मिक्स करेंगे बेसन में एक बाइंडिंग सा आने लगेगी, ये देखिए इस तरीके से। तो जब इस तरीके से आपको मिश्रण दिखने लगे तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
अभी मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको बाउल में निकालकर हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब यह हल्का गुनगुना रहेगी, हाथों से छूने लायक रहेगी, तब हम इस मिश्रण से लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर निकालकर हम छोड़ देते हैं करीब 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अब मिश्रण हल्का गुनगुना है, तो इसी स्टेज पे हमें लड्डू बना लेने हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर इस तरीके से हल्का हल्का दबाते हुए हमें लड्डू का शेप देना है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहे हैं और देख सकते हैं एकदम परफेक्ट गोल गोल लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। ज़्यादा घी डालने से लड्डू नहीं बनते हैं, चपटे बनते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार लड्डू बनाकर देखिएगा, आपके भी लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। इससे पहले मैंने मेरे चैनल पे बूरा, तगार और चाशनी से कैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं उसकी रेसिपी भी अपलोड की हुई है, आप वो रेसिपी भी देख सकते हैं। मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, हमने सारे मिशन से बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और 1 कप बेसन से हमने 10 लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। और लड्डुओं का साइज हमने थोड़ा छोटा रखा है, अगर आप बड़े साइज के बनाएंगे तो आपके 1 कप से 5 या 6 लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बेसन के स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अभी दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो आप ये बेसन के लड्डू ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होती है और बहुत ही कम मेहनत में और एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बने हैं। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी ये बेसन के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।